फ्रेंड्स, आ चुका है ये वीडियो जिसका आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। आज मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ इंडिया एक्सपो मार्ट, जहाँ पर ऑटो एक्सपो 2018 हो रहा है और ये ग्रेटर नोएडा में है। मैं आपको बता दूँ मैं यहाँ से किस तरह जाने वाला हूँ। पहले मैं ब्लू लाइन से बॉटनिकल गार्डन तक जाऊंगा, जो कि नोएडा सिटी सेंटर वाली मेट्रो होती है। आपको वो लेनी है, नोएडा सिटी सेंटर से 2-3 स्टेशन पहले ही बॉटनिकल गार्डन होता है। वहाँ उतरते ही सारी बसेस आपको यही बोलेंगी कि ऑटो एक्सपो या परिचौक, जो कि ग्रेटर नोएडा के लिए लगी रहती है। 2016 में भी मैंने वीडियो अपलोड की थी, तब मैंने वीडियो मतलब ऐसे मस्ती में डाल दिया था थोड़ा, क्योंकि मैं उतना सीरियस ब्लॉगर नहीं था उस टाइम पे। आप देख सकते हो, ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। 2018 की वजह से काफ़ी लोगों ने सर्च किया उस वीडियो को, जो कि अभी टॉप रैंकिंग में मतलब टॉप सर्च में मेरा वो वीडियो आ रहा है। अगर आप लोग सर्च करेंगे ऑटो एक्सपो दिल्ली या ऑटो एक्सपो ग्रेटर नोएडा, कुछ भी ऐसा सर्च कीजिए तो वही आएगा निक बिस्ट के चैनल का। और एक बात और बता दूं आप लोगों को, मैं एक ब्लॉगर हूं, लाइफस्टाइल ब्लॉगर, जो कि मार्केट एक्सप्लोर या लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई भी ट्रैवल ब्लॉग्स होते हैं वो मैं दिखाता रहता हूं, जो भी दिल्ली के अंदर होता है, आउट स्टेशन कहीं भी मैं जाता हूं, जो भी मैं एक्सप्लोर करता हूँ। तो प्लीज़ इसको इतना जज ना करिएगा, क्योंकि मैं इसमें इतना टेक्निकली आपको नहीं बताऊंगा कि उस ऑटोमोबाइल के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कैसी उसमें मशीनरी काम कर रही है। बस आपको एक हल्की फुल्की मैं यहाँ की क्लिप्स दिखा रहा हूँ और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डूज और डोंट्स क्या हैं ऑटो एक्सपो के लिए, जो कि जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर कई चीज़ें जो आपको पहले से पता रहनी चाहिए। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। बस फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हो जाए और फिर निकलते हैं ऑटो एक्सपो के लिए। रेडी टू गो, चलते हैं ऑटो एक्सपो। नहीं, बिल्डिंग तो ये है, एंट्री कहीं ना कहीं इधर ही से होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहुंच चुका हूं मैं ऑटो एक्सपो 2018 का शो आप लोगों को दिखाने के लिए। ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो मार्ट इस जगह का नाम है। An award-winning car, ladies and gentlemen, the best concept car, been inspired by the bold future of India. Well, let's tell you a little bit more about it.
दिस वन, ये देखो कमाल का शो था दोस्तों, ये रही टिकट। तो फ्रेंड्स, ये था आप लोगों ने जो छोटी मोटी झलकियां देखी इस ऑटो एक्सपो 2018 की, मेरे ख्याल से आप लोगों को पसंद आई होंगी। मैंने इस बार वहां पर भी अपनी कॉमेंट्री कम की है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर इतना ज़्यादा नॉइज था, इतने टाइप का वहां पर म्यूजिक प्ले होता है, तो मुझे लगा कि अगर मैं बोलूंगा तो वो सारा कुछ मतलब एकदम मिक्स्ड अप हो जाएगा, इसलिए मैंने बस ये बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में रखा है। इस बार जो भी मैं डूज एंड डोंट्स की बात कर रहा था मॉर्निंग आप लोगों से, वो मैं आप लोगों को बता दूं, वीकेंड के टाइम पे इसकी टिकट आपकी 450 के अराउंड में हो जाएगी, और फ्राइडे और अदर वीकडेज के अंदर में 350 टिकट है पब्लिक के लिए। फ्रेंड्स, वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि आधी दिल्ली तो उधर ही जा चुकी है अभी। मतलब यमुना एक्सप्रेस वे जो इतना अच्छा एकदम स्मूथ भागती है जहाँ पर गाड़ियाँ, वहाँ पर भी आप बिल्कुल कछुए की चाल से ऐसे करके गाड़ियाँ चलेंगी वहाँ पर। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक किए बुक माई शो के थ्रू, तो वो आपको बॉक्स ऑफिस से जो उनके काउंटर्स बने हुए हैं P1 पार्किंग P1 करके आपके पास मैसेज आ जाएगा, P1 पार्किंग से आप लोगों को कलेक्ट करना होगा टिकट। गेट नंबर 1 के आसपास आप हैं, 1 या 2 के, तो उससे और आगे आपको जाना है, 3, 4, 5 आपको मिल जाएगा गेट, सामने ही ये P1 पार्किंग है, वहाँ से आप लोग अपनी टिकट ले लीजिए। ऑटो एक्सपो में दोस्तों उन लोगों ने फ्री शटल भी प्रोवाइड कर रखी है, जो कि आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और टिकट काउंटर से आपको जो भी आपका हॉल होगा, जैसे मैं दिखा दूँ एक मिनट, ये गेट नंबर 5 है, तो ऐसे ही गेट नंबर जो भी गेट नंबर आपको मिलेगा वहाँ तक के लिए इजीली आपको शटल मिल जाएंगी। 3 नंबर और 4 नंबर से आप एग्जिट करेंगे तो सामने बहुत लाइन लगी रहेगी, लेकिन बसेस की फ्रिक्वेंसी अच्छी है, तो फटाफट 5-10 मिनट के अंदर आप बस के अंदर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि टाइम जो है प्रॉपर देख लीजिए, आपके पास पूरा दिन का टाइम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 3-4 घंटे तो आपके यूँ निकल जाने हैं दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं कि किस बाइक के अंदर क्या है, किस कार के अंदर क्या है, तो मेरा एक यूट्यूबर फ्रेंड है शौंकी दीपक नाम से, उसका चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ लिंक, उसका भी आप लोग चेकआउट कीजिए उसका यूट्यूब चैनल, वो जो है पर्टिकुलरली जो भी लेटेस्ट बाइक्स हैं इनके लिए ही चैनल उसका है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो आप एक बार विजिट कीजिए उसका चैनल भी। और जितना बेस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता था मैंने दी, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मैं इंस्टाग्राम मेरा @NickBest, वही जिससे मेरा चैनल नेम है वही है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने, आप मुझे फेसबुक में कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर मुझे मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरीज का आंसर दे सकूं। तो आप लोगों से बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 1000 सब्सक्राइबर कराने में मेरी जल्दी से जल्दी हेल्प कीजिए। हो सकता है 2 साल पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड किए होंगे तब मैं उतना सीरियस ब्लॉगर नहीं था, लेकिन अब मैं अपना कंटेंट जो है ज़्यादा सीरियसली आप लोगों के लिए ला रहा हूँ और ज़्यादा मेहनत करके ला रहा हूँ, तो प्लीज़ इतनी हेल्प कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर देने में मेरी जल्दी से जल्दी हेल्प कीजिए। एक जो है वहाँ बाइक बहुत ख़ास बाइक थी जो हाथ के इशारों से चलती है, तो वो मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखा रहा हूँ, ऊपर आई कार्ड में मैं लिंक दे दूंगा उसका जब मैं अपलोड करूँगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, उसे आप देख सकते हैं अलग से, वो मैं छोटी सी क्लिप डालूंगा, लेकिन वो बाइक बहुत खास लगी मुझे कि हाथ के इशारों से काम कर जाती है एकदम। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे जल्दी नए ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर।